हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़ गया होगा। दोस्तों, आज मैं आपको जिस देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहा हूँ, उस देश की बात ही अलग है। ये एक बहुत ही छोटा सा देश है जो कि चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, लेकिन यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। ये देश जितना छोटा है, अमीरी यहाँ के उतनी ही बड़े है। द बेस्ट लाइफ स्टाइल वाले देशों की बात करें तो ये उनमें से एक है। दोस्तों, कहते हैं कि यहाँ का पानी इतना प्योर है कि आप यहाँ के टैप वाटर से भी डायरेक्ट पानी पी सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको जिस देश के बारे में रोचक जानकारी देने वाला हूँ, वहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत बहादुर होते हैं। आज मैं आपको यूरोप के एक छोटे से देश माल्टा के बारे में एक से बढ़कर एक जानकारियाँ देने वाला हूँ। बस दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ माल्टा। ये देश कुल 316 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और एरिया के लिहाज से ये दुनिया का 10th सबसे छोटा देश है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये बहुत ही छोटा सा देश है, यहाँ की कुल आबादी भी लगभग 4 लाख से थोड़ी ही ज्यादा है। हालांकि यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत अधिक है, यहाँ आपको 1380 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर मिल जाएंगे। इस देश के 94% लोग अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं, जबकि मात्र 6% लोग ही गांव में रहते हैं। दोस्तों, माल्टा छोटा सा देश जरूर है, लेकिन बड़े बड़े काम कर चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश का एक प्रोडक्ट जिसका नाम किनी है, ये एक तरह का सॉफ्ट ड्रिंक है जिसे पूरे यूरोप में एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इनके किनी जैसा किसी और देश के पास प्रोडक्ट है ही नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसका टेस्ट ऑरेंज की तरह होता है, लेकिन जो लोग इसे पसंद करते हैं वो इसे दिल से प्यार करते हैं, और जो नहीं करते हैं वो इसे देखना भी नहीं चाहते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग इसे बहुत पसंद करते हैं और दूसरे लोगों से भी यही कहते हैं कि आप भी इसका सेवन करो। दोस्तों, एक बात फिर से आपको बता दूं कि ये एक बहुत छोटा देश है, लेकिन यहाँ की खूबसूरती शानदार है। आपको जानकर हैरानी होगी कि माल्टा की खूबसूरती देखते हुए कई सारी ऐसी हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों की यहाँ पे शूटिंग हुई है, जो कि बहुत बड़ी हिट फिल्में साबित हुई। यहाँ के लोगों के लिए टूरिज्म ही बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। कहते हैं कि साल में 10 से 12 हॉलीवुड की बड़ी बजट की फिल्में इस देश में शूट हो ही जाती हैं। वो भी क्यों ना, जब आपके पास इतने अच्छे लोकेशंस होंगे तो ऐसा ही होगा। फ्रेंड्स, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस देश में कुल मिलाकर 365 चर्च हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक साल में कुल दिन भी इतने ही होते हैं, 365। और यहाँ के लोगों का मानना है कि साल में रोज ही आप यहाँ पे चर्च बदल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप हर दिन नए चर्च में जाके प्रेयर कर सकते हैं। सोचिए कि क्या शानदार सोच है यहाँ के लोगों की। तभी माल्टा के लोगों के बारे में ये बात भी बहुत पॉपुलर है कि ये धार्मिक लोग होते हैं। 365 चर्च बनवाना, वो भी इतने छोटे से देश में, जो कि हिंदुस्तान के एक शहर के बराबर है, कोई मजाक की बात नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये देश तो 1964 में ही आजाद हो गया था, लेकिन उसके बाद भी इस देश ने यूरोपियन यूनियन को 2004 में जाके ज्वाइन किया। यहाँ के लोग हर चीज को सोच समझ के करते हैं। यूरोपियन यूनियन जहाँ पे किस समय 28 देश शामिल हैं, माल्टा उनमें से एक है जरूर, लेकिन 40 साल लग गए यहाँ की सरकार को ये डिसाइड करने में कि हमें यूरोपियन यूनियन के साथ जाना है या नहीं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि माल्टा के लोगों की सबसे अच्छी आदत क्या है? आपको भी इस हैबिट को अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए। आपको बता दूं कि यहाँ के लोगों के बीच में फिटनेस को लेकर बहुत जागरूकता है। यहाँ की एक बात जो बाकी देश के लोगों को बहुत इंस्पायर कर गई, वो ये कि यहाँ के लोगों की सोच सबसे अलग है। यहाँ के तकरीबन 4 लाख लोगों का मानना है कि आप पैसे दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन एक बार अगर स्वास्थ्य खराब हो जाए तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। ऐसे बात तो सही है, हालांकि यही सोच हमारे देश में भी बुजुर्ग लोगों ने हमें सिखाई है, लेकिन वो बात अलग है कि हम उसे नजरअंदाज कर चुके हैं। दोस्तों, इस देश में एजुकेशन पे बहुत जोर दिया जाता है। आपको बता दूं कि साल 1769 में स्थापित यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है और देश का एकमात्र विश्वविद्यालय है। हालांकि यहाँ पर सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये बहुत क्राउडेड है। माल्टा देश की पढ़ाई बहुत अच्छी मानी जाती है। कहते हैं कि यहाँ के बच्चे भी अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर रहते हैं। यहाँ के पेरेंट्स का भी यही मानना है कि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएं। यहाँ पर सुबह के समय जब एक लाइन से स्कूल बस निकलती है तो उसका नजारा देखने लायक होता है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ की सरकार भी यहाँ के लोगों को चाइल्ड एजुकेशन के नाम पे बहुत हेल्प करती है। अच्छी बात है, क्योंकि यही है दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट, पढ़ा लिखा देश, यानी कि आगे बढ़ने वाला देश। आप कभी भी रिसर्च करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इस देश में कितने इंडियन स्टूडेंट्स रहते हैं। यूरोप के किसी भी देश के मुकाबले यहाँ पे सबसे ज्यादा इंडियन बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। साथ ही यहाँ पे जॉब भी अच्छी खासी मिल जाती है। माल्टा देश की राजधानी है वलेटा। इस शहर के बारे में कहा जाता है कि आपको यहाँ पे बहुत ही हिस्टोरिकल चीजें देखने को मिल जाती हैं। कहते हैं कि यहाँ की शाम हमेशा ही हैपनिंग होती है, आप अपने दोस्तों के साथ फुल ऑन मस्ती कर सकते हैं। आपको एक से बढ़कर एक बार मिल जाते हैं शहर में, जहाँ फुल ऑन एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ के नाइट क्लब्स भी बहुत फेमस हैं।
वलेटा में आपको बोटिंग करने का सबसे अच्छा अनुभव मिलता है। वेल दोस्तों, अब जो मैं आपको इस देश के बारे में फैक्ट बताने वाला हूँ, उसे देखने के बाद आपको हंसी भी आएगी और आप सरप्राइज भी हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस देश की कुल जनसंख्या है 4 लाख से थोड़ी ज्यादा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुल गाड़ियाँ 5 लाख के आसपास हैं। जी हाँ, सही सुना आपने कि यहाँ पर लोग कम हैं और कारें ज्यादा हैं। तभी तो मैंने कहा आपसे कि यहाँ के लोग बहुत पैसे वाले हैं। दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि माल्टा के लोगों को सबसे यूजफुल भी कहा जाता है। जी हाँ, यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, वो हमेशा ही खुश होकर यहाँ से जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर आपको हर कोई फ्रेंडली नेचर का मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोग किसी के साथ रफ लैंग्वेज में कभी भी बात नहीं करते, ये बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। दोस्तों ये बहुत ही छोटा सा देश है, लेकिन आपको बता दूं कि ये एक बहुत ही बहादुर देश है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देश की बहादुरी के लिए माल्टा को यूनाइटेड किंगडम के किंग जॉर्ज VI द्वारा जॉर्ज क्रॉस से सम्मानित किया गया था। यहाँ के लोगों के बारे में वैसे भी कहा जाता है कि ये बहुत ही बहादुर होते हैं और दमदार होते हैं। कहते हैं कि कभी ना हार मानने की जो इनकी आदत है, वो इन्हें सबसे अलग बनाती है। ये लोग पहले किसी से भिड़ते नहीं, और अगर एक बार मैदान में आ गए तो आर पार की ही लड़ाई होती है, डरते नहीं है किसी से भी। दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि माल्टा की भी पॉलिटिकल हालत भारत की तरह ही है। आपको लगेगा कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि माल्टा बहुत छोटा सा देश है और भारत एक बड़ी कंट्री। पर दोस्तों सिमिलैरिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं कि माल्टा में भी इंडिया की तरह ही बहुत सारी पार्टीज हैं। जी हाँ, यहाँ पर सैकड़ों पार्टीज हैं, लेकिन मेन पार्टीज हैं नेशनल पार्टी एंड द लेबर पार्टी। दोस्तों अब जब बात हो ही रही है पॉलिटिक्स की, तो आपको ये भी बता दूं कि यहाँ की सरकार कई बार इस बात पर भी बन जाती है कि किस पार्टी ने इलेक्शन टाइम से ठीक पहले यहाँ के लोगों को शिकार करने की परमिशन दे दी। आपको लग रहा होगा कि ये क्या बात है, तो आपको बता दूं कि हंटिंग को इस देश में काफी पसंद किया जाता है। ऐसे में दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये यूरोपियन यूनियन का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर स्प्रिंग टाइम हंटिंग अलाउड है। यहाँ पर अगर शिकार करने से मना कर दिया जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं। भाई हर देश की अपनी अपनी बात होती है यार। वेल माल्टा देश टूरिस्ट के लिए इतना पॉपुलर और जन्नत जैसा क्यों है, चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों इस देश में 10 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। अब इस आंकड़े को देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर घूमने और देखने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि कोई देश इतना छोटा होने के बाद भी टूरिज्म के मामले में इतना पॉपुलर होगा? ये माल्टा ही है दोस्तों। फ्रेंड्स, इस देश के लोगों को वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने का बहुत शौक है। माल्टा के लोगों के बीच में सबसे अलग, सबसे अच्छा करने की चाहत बहुत ज्यादा है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर माल्टा देश घूमने के लिए आप जाएं, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ के लोगों के लाइफस्टाइल कैसे दूसरों से अलग है। कहते हैं कि माल्टा के छोटे छोटे बच्चे भी वर्ल्ड रिकॉर्ड को लेकर बहुत सीरियस होते हैं। सबके सब अपनी पसंदीदा एक्टिविटी में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं। यही सोच जो है वो इस देश को सबसे अलग बनाती है। यहाँ पर स्कूल लेवल से ही बच्चे एक्टिव स्पोर्ट्स में लग जाते हैं। दोस्तों माल्टा देश की अपनी भाषा है जिसका नाम है माल्टीज, लेकिन फिर भी आपको 90% लोग इस कंट्री में इंग्लिश बोलते हुए ही देखेंगे। जी हाँ, यहाँ के लोगों के बीच में इंग्लिश बहुत पॉपुलर है। हालांकि इस देश में कोई रूरल एरियाज तो नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पे 10% लोग यहाँ आपको अपनी भाषा यानी कि माल्टीज बोलते हुए देखेंगे। लगता है यहाँ जो अंग्रेजों का राज रहा उसका बहुत असर पड़ा है लोगों के बीच में। दोस्तों माल्टा के लोगों को दुनिया के सबसे ज्यादा रोमांटिक लोगों में गिना जाता है। यहाँ की हवा में ही रोमांस है। एक सर्वे के मुताबिक इस देश की अगर बात की जाए तो लगभग 40% से ज्यादा लोगों की शादी लव मैरिज से होती है। क्या कहेंगे आप इस देश के बारे में? लगता है यहाँ के लोग बॉलीवुड की मूवीज खूब देखते हैं, तभी तो बात बात में प्यार आ जाता है इन्हें। दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि माल्टा में काम करने वाले लोग बहुत खुश रहते हैं। जानते हैं कैसे? हम आपको बताते हैं। यहाँ पर आपको बहुत छुट्टियाँ मिलती हैं। कहा जाता है कि यूरोपियन यूनियन मेंबर्स की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा हॉलीडेज मिलते हैं। क्या बात है, तभी तो माल्टा में जिसकी नौकरी लगती है वो बहुत खुश रहता है। दोस्तों कई लोगों को लगता है कि माल्टा देश सिर्फ 3 आइलैंड्स को बनाकर बनाया गया देश है, लेकिन फ्रेंड्स आपको बता दूं कि ये बात गलत है। माल्टा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर आपको छोटे छोटे कई सारे आइलैंड्स नजर आते हैं। कई तो इतने छोटे हैं कि उनका कहना है क्या, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हर आइलैंड को दूसरे से बहुत ही बढ़िया तरीके से कनेक्ट किया गया है। इस देश से कभी भी आपको किसी और देश में ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दोस्तों आपको ये बात जानकर खुशी होगी कि इस देश की कुल जनसंख्या में से केवल 16% ही ऐसे हैं जो कि गरीब हैं, बाकी सबके सब अपना परिवार अच्छे से चला रहे हैं। हालांकि यहाँ की गवर्नमेंट की मदद से हर साल गरीबों की संख्या कम होती जा रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कहा तो जा रहा है कि जिस तरह से इस समय यहाँ की सरकार अपने लोगों के लिए काम कर रही है, उस हिसाब से आने वाले 4 से 5 सालों में यहाँ से गरीबी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और फिर यहाँ पर अमीरी ही अमीरी होगी। वैसे आज भी ये देश बहुत रची है। यहाँ के बारे में मैंने आपको बताया ना कि यहाँ लोग कम है और कास्ट ज्यादा है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये है माल्टा। कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप कभी गए हैं इस देश, और अगर गए तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए,
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।